नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपा बाफिल। आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, ये विधानमंडल दल की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा इसका सस्पेंस। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तराखंड के सियासी गलियारों पर जो हलचल आज चल रही है, एबीपी गंगा पर आज लगातार उसकी महाकवरेज आप देखते रहेंगे। आज ही उत्तराखंड के नए मुखिया के राज से पर्दा हटने वाला है और लगातार जो भी हलचल चल रही है आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। बिल्कुल बिल्कुल अनु, और हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, कुछ ही देर के बाद शपथ लेते हुए विधायकों की तस्वीर नजर आएगी। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल इन तमाम तस्वीरों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आज की जो सुबह से लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं उसमें जो आखिरी तस्वीर होगी वो विधायक दल की बैठक की होगी, जहां पर पर्यवेक्षकों की मौजूदगी होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाने। देखिए, एक बंशीधर भगत की तस्वीर है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जब शपथ ली पद और गोपनीयता की, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां से वो विधानसभा पहुंचे, वहां से भी उनका रिएक्शन सामने आ चुका है। अब भीतर वो मौजूद है विधानसभा के, वही शपथ दिलाएंगे नव निर्वाचित विधायकों को। और जब विधायकों का काफिला एक के बाद यहाँ पर पहुंच रहा था, लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी था, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 70 के 70 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 47 खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो आज शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और आज का दिन उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत अहम है। आने वाले 5 साल में कौन करेगा नेतृत्व, कौन संभालेगा कमान, इसकी पूरी तस्वीर जो है वो आज साफ होने वाली है। और देखिए, कुछ ही देर के बाद विधायक शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं देहरादून से, विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा में आप विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सभी नवनिर्वाचित विधायक अब एक एक कर शपथ लेंगे। जहां आज सभी विधानसभा में विधायक पहुंचे हुए हैं और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां प्रोटेम स्पीकर दिलवा रहे हैं सभी विधायकों को शपथ। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हैं, पंकज राणा हैं, रवि कैंतुरा है। पहले पंकज का रुख करेंगे। पंकज, बताएं कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए प्रोटेम स्पीकर विधानसभा परिसर के अंदर चले गए हैं, जिस पंडाल में विधायकों को शपथ दिलाई जानी है वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। और देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकेंगे पीछे की, तमाम जो ये सामने का जो गली आप देख रहे हैं, यहीं से जो प्रोटेम स्पीकर है वो अंदर गए हैं। और वहीं पर अंदर जो पंडाल लगा हुआ, वहाँ पर 70 जो विधायक हैं विधानसभा के, वो पहुँच गए हैं अंदर। और विधानसभा परिसर के अंदर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, यानी कि अब से कुछ मिनटों बाद ही विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तो जो एक लंबी पहले तमाम जो कोशिशें हो रही थी, तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी इस तरह से उत्तराखंड की सियासत किस मोड़ पर लेगी, उसका एक कड़ी आज समाप्त होने वाली है। क्योंकि विधानसभा के अंदर तमाम दो विधायक हैं वो आज शपथ ले लेंगे। सभी विधायक 70 के 70 विधायक यहां पहुंच गए हैं और तमाम विधायकों के आने के बाद शपथ का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और तमाम अभी भी जो कुछ विधायक हैं उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि शपथ के लिए जो बैल एक होती है, जो घंटी बजती है विधानसभा परिसर के अंदर, वो बज गई है। और देखिए, एक विधायक आए हैं वो वहाँ पर नमन कर रहे हैं, विधानसभा को झुक कर उन्होंने नमन किया है। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि युवा विधायक हैं, और अभी भी तमाम विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ मिनटों बाद ही, यानी कि 11:01 हो गया है और अब अंदर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और अभी एक एक करके सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और प्रोटेम स्पीकर अंदर पहुंच चुके हैं, उनके जो कागजी कार्रवाई शुरुआत की होती है वो शुरू हो गई है। और तमाम लंबे समय से जो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या होने वाला है, तो उसकी एक कड़ी देखिए अब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो विधायक हैं सारे वो यहाँ से विधानमंडल दल की बैठक के लिए तैयार होंगे और वो यहाँ से विधानमंडल दल की बैठक के लिए जाएंगे। हालांकि उसमें थोड़ा भी वक्त है, 5:30 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले ये भी माना जा रहा है कि संगठन के जो कुछ लोग हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ कुछ चर्चा विधायकों की हो सकती है। क्योंकि एक राय पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती भाजपा के लिए हो रही है। पिछले 11 दिनों से ये जो विधायक तमाम जो विधायक हैं वो सहमति नहीं बना पाए हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि एक ही नाम पर सहमति बन जाए। और तमाम, खासकर इस बार 30 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनमें कई विधायक ऐसे
ऐसे हैं जो युवा हैं, और युवा चेहरा इसलिए भी विधानसभा में पहुंचा है ताकि बेहतर तरीके से वो क्षेत्र का विकास कर सके। और तमाम विधायकों के अभी भी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये सुमित हृदेश भी यहाँ पर आए हैं, इंदिरा हृदेश के बेटे हैं सुमित हृदेश, वो विधानसभा परिसर में पहली बार पहुँचे हैं, विधानसभा विधायक बनकर वो आए हैं, हल्द्वानी विधानसभा सीट से वो चुनाव जीतकर कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पहुँचे हैं। तो ये इस तरह की तमाम जो विधायकों का जो लंबे समय से एक इंतजार हो रहा था कि वो यहाँ पर आए और फिर शपथ ग्रहण में शामिल हों, तो वो अब कड़ी एक देखिए खत्म हो गई है। 11 बजे का वक्त हो गया और 11 बजे से जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रोटोम स्पीकर राजभवन से शपथ लेकर यहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद विधायक जो 70 के 70 विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक देखिए जो तमाम लंबे समय से जो कोशिशें हो रही थी कि किस तरह से राजनीति होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है, तो उसके लिए अब सभी जो स्थिति है वो आधी स्थिति अब साफ हो गई है। अब विधायक यहाँ से शपथ लेकर अपने अपने क्षेत्र के लिए जाएंगे। जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी भी एक बड़ी बैठक रखी गई है, हार की समीक्षा को लेकर ये बैठक रखी गई है। जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, अविनाश पांडे, और उसके बाद हम बात करते हैं इंद्र सुमित जी। मैं आज माता जी को याद अवश्य कर रहा हूँ, और इस विधानसभा में कई बार उनके साथ में आया, सौभाग्य मिला, बजट भी मैंने देखा उनको पेश करते हुए, बातें भी सुनता था, जिस प्रकार से वो चाहे पक्ष में रही विपक्ष में रही, तो जो अक्रॉस पार्टी लाइन ट्रेजरी बेंच हो या ऑपोजिशन हो, जिस प्रकार से वो बात करती थी लोगों से, आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन मेरी आशा ये है राजनीतिक सामाजिक कौशल संसदीय ज्ञान जो उन्होंने कठोर परिश्रम के बाद जो अर्जित करा वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मेरे पे भी भंडारण आता रहे। तो अगर आपको मैंने झलकियाँ भी दिखा दी तो आप अच्छा आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे जी। बिल्कुल जी, देखिए हल्द्वानी हमेशा VVIP सीट रही है पंडित एनडी तिवारी जी के ज़माने से, वहाँ से जो विधायक बना जो भी बना अवश्य आशीर्वाद जनता का तो बड़ा प्राप्त हुआ ही, लेकिन देश और प्रदेश में अलग पहचान भी बनी। तो मेरी आशा यही है कि वो सकारात्मक पहचान बनाने में मैं सफल रहूँ। धन्यवाद। ठीक है, ये थे सुमित हृदेश थे, और सुमित हृदेश हल्द्वानी से सीट कर जीत कर यहाँ पर विधानसभा में पहुँचे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देखिए क्योंकि वहाँ से इंदिरा हृदेश थी विधायक, महिला नेत्री थी कांग्रेस की, और महिला नेत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर राजनीति में अपना परचम फहराया था, और उसके बाद अब सुमित हृदेश उनके बेटे वहाँ से जीत कर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से बेहतर विकास की ओर लेके जाएँ। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं विधानसभा परिसर के लिए। और देखिए मदन कौशिक जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी विधानसभा परिसर में आए हैं, वो भी एज ए विधायक, उनके साथ में देखिए धन सिंह रावत भी हैं जिनका नाम CM के लिए भी चल रहा है। हम बात भी करते हैं मदन कौशिक से। मदन जी बहुत ही आपको धन्यवाद, प्रदेश की जनता को बहुत हृदय से धन्यवाद जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और आज सभी विधायक के तौर पर निर्वाचित होने के बाद शपथ ले रहे हैं, शपथ के बाद वो क्षेत्र में एज ए विधायक विधिवत रूप से काम शुरू करेंगे। अध्यक्ष आपसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, आपने वो पार पा लिया, सरकार बना दी है, लेकिन CM को लेकर अभी चर्चा 5 बजे बताएंगे आज हो रहा है, आज पक्का हो जाएगा आज 5 बजे। आपके लिए भी बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या कहेंगे आप आज अध्यक्ष? आज सभी निर्वाचित विधायक यहाँ आए। तो देखिए मदन कौशिक जी थे साथ में और धन सिंह रावत भी हैं साथ में, तो अभी पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बड़ा यहाँ पर कहा जाए तो अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी चुनाव जिताने की, और चुनाव जिताकर वो पार्टी को ले गए। धन सिंह रावत एक साथ ही विधानसभा के भीतर पहुंचे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई, बहुत बड़ा रोल रहा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी, और उनकी भी बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको माना जा रहा है इस जीत को। आप रहिए हमारे साथ, रवि भी लगातार बने हुए। रवि आप कहाँ पर मौजूद है और क्या दिखा सकते हैं, दिखाइए। तो मैं सम्मानित क्षेत्र के जो मतदाता हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार सहसपुर विधानसभा से मुझ पर विश्वास जताते हुए क्षेत्र में सेवा करने का मुझको अवसर दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। इसके साथ साथ समस्त कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इस चुनाव में काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे अपना सभी कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया है। इसके साथ साथ जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो जनहित में काम किए गए, क्या वो कोरोना का काल रहा हो और प्रदेश सरकार के जो काम किए हैं, जनता ने उनको सराहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार
दोबारा से मिथक तोड़ते हुए कि जो एक मिथक था। सहसपुर की जनता के लिए क्या शपथ के बाद उनके लिए क्या शपथ लेंगे आप? जो रुके हुए कार्य हैं उन कार्यों को हम जनता के सहयोग से, जनता को साथ लेकर उन कार्यों को हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो सहसपुर से ये चुनकर के आए हैं रवि, उनके साथ में मौजूद थे, वो जानकारी दे रहे हैं कि पहली प्राथमिकता जनता के जो जो मुद्दे हैं उनको पूरा किया जाएगा, उसी पर चुनाव लड़ा और विकास का एजेंडा रहा है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और प्रचंड जीत को भी दोहराया उन्होंने कि जीत मिली है, ऐसा पहले कभी होता नहीं था, इतिहास में पहली मर्तबा ये हुआ है जब सरकार रिपीट हुई है। और देखिए लगातार अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रवि लगातार बने हुए हैं, पंकज भी लगातार बने हुए हैं जो आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। पंकज के पास एक बार फिर से चलते हैं। पंकज बताइए कौन पहुँचा है अभी? देखिए राजेंद्र भंडारी थे, बद्रीनाथ सीट से जीतकर आए हैं, इन्होंने भाजपा के महेंद्र भट्ट को हराया है और ये अभी विधानसभा पहुंचे हैं। इससे 2017 के विधानसभा चुनाव में ये हार गए थे, उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर थे, तो ये बड़ी चुनौती उनके सामने थी। और जिस तरह से उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि पैसों की बंडरबांट और ईवीएम में जिस तरह छेड़छाड़ की गई, उसके बाद भी वो आंधी में जीतकर यहां आए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, तो उनका बड़ा दायित्व होगा क्योंकि सीमांत क्षेत्र है बद्रीनाथ और वहां से जीतकर यहां पहुंचे हैं, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनका एजेंडा होगा। लेकिन बड़ी बात यह रही है कि उन्होंने ये बात कही है कि पार्टी स्तर पर जो कांग्रेस के अंदर एक जो मंथन चल रहा है हार को लेकर, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, तो पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही मंथन उसमें कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष देखिए उनके लिए निश्चित रूप से शपथ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विधानसभा सदस्य का, क्योंकि इसके बाद ही वो विधिवत रूप से विधानसभा का नामित सदस्य चुना जाता है। अभी तक वो डिजिग्नेटेड मेंबर्स हैं, जब आज उनको MLA के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा तो जिसका पहला अवसर है निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। सर आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी होगा जी, आज नेता सदन में चुना जाएगा, शाम को बैठक होगी, जैसे जैसे आपको इंतजार है वैसे हमें भी इंतजार है कि आखिर नेता सदन होगा कौन। देखिए हाईकमान का निर्णय जो भी होगा सबको स्वीकार्य होगा। सुबोध जी, मंत्रिमंडल में आपका पिछला कार्यकाल बेहतरीन रहा, इस बार सर क्या कुछ है, दावेदारी पूरी है क्या? पहले नेता सदन का नाम आ जाए, उसके बाद बात पे बात करेंगे। तो चलिए सुबोध उनियाल को भाजपा के विधायक हैं, इन्हें आपने सुना है और नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी है और साथ ही कहा कि इंतजार हमें भी है कौन नया नाम होगा और कौन होगा मुख्यमंत्री, ये आज साफ हो जाएगा। तो बड़ा दिन है आज और इस बड़े दिन पर लगातार ये बड़ी महाकवरेज हमारी चलती रहेगी। रवि और पंकज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे आपको ले चलते उत्तराखंड विधानसभा, वहां पर चल रहा है नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह, देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सावधान, अगर रूल का अपील चल रहा है, इसी तरीके का विधान स्वीकार नहीं है। श्रीमती सविता कपूर, मैं प्रति श्रद्धा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अशु रखूंगी तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अनिल नौटियाल, मैं सविता कपूर जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा के अंदर की, जहां पर ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और एक एक कर अब सभी विधायक आ रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिला रहे हैं। सीधी तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा के अंदर से, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। विधायकों के एक एक कर नाम पुकारे जा रहे हैं और वे आ रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर उन्हें एक एक कर अब शपथ दिला रहे हैं और ये शपथ है अपने उन तमाम मतदाताओं की जिम्मेदारियों की जिनका निर्वहन उन्हें करना है। देखिए शपथ ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, दो महिला विधायकों से इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले जो दो महिला विधायक सबसे पहले शुरुआत करती हुई क्योंकि पहली बार ये निर्वाचित होकर के विधानसभा पहुंची हैं और शपथ की शुरुआत इन्हीं से की गई है, इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से क्योंकि 70 के 70 विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत
और ये जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चली सुबह से लेकर के अभी तक, हर एक तस्वीर हमने दिखाई। अब विधानसभा के भीतर शपथ ग्रहण की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से जो चुन करके विधायक आए हुए हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। देखिए, इसके बाद पहले दो महिला विधायक और उसके बाद अब ये विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं जो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 70 के 70 जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे। और यहीं पर तमाम जो चुन करके विधायक आए हुए हैं, सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो कोई पहली बार चुनकर के आया है, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बार भी कई लोग चुनकर के आए हैं। आप उनमें भी उत्साह आप समझ सकते हैं। जो पहली बार के विधायक हैं, सबसे पहले विधानसभा वही पहुंचे थे और इसी से उनमें उत्साह का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। वो पहुंचे, हालांकि 11 बजे का वक्त था शपथ ग्रहण का, 10:30 बजे पहुँचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया था और अब चौथे विधायक के तौर पर वो शपथ लेते हुए अरविंद पांडे गदरपुर से विधायक चुनकर के आए हैं। जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद पर मैं शपथ ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अरविंद पांडे ने भी शपथ ले ली है। चौथे नंबर के विधायक अरविंद पांडे जिन्होंने शपथ ली, अब वो भी शपथ लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। गदरपुर से लगातार वो चुनते आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे अभी सरकार में। अब दूसरी बार सरकार का गठन वहाँ पर होना है और आज का दिन अपने आप में बहुत अहम है। बड़ी बातें क्या कुछ है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। श्री आदेश सिंह चौहान, सभी को बारी बारी से बुलाते हुए प्रोटेम स्पीकर मैं आदेश चौहान, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन किया जाएगा। और एक एक कर ये बड़ी जानकारियां भी आपको दे रहे हैं। रितु खंडूरी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। पहले दो शुरुआती महिलाओं विधायकों ने शपथ ली, रेखा आर्य ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, सविता कपूर ने भी विधायक पद की शपथ ले ली है। और अब मनीष कुमार पत्रकार, एक एक कर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया जा रहा है और पद और गोपनीयता की भी शपथ ले रहे हैं। मैं आदेश सिंह चौहान, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। जिस पद पर को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर इस विधानसभा सीढ़ियों पर पहुंचते हैं ये तमाम विधायक। बातचीत करना सदन में ठीक नहीं है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा। कांग्रेस के विधायक हरीश धामी की आवाज भी यहाँ पर सुनाई दे रही थी।